जय हिंद। इस वीडियो में महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर उनके स्लो प्रोग्रेस और उनमें आने वाली कुछ समस्याएं जो रहती हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ समस्याएं लिखी हैं जिनको महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सबसे पहले है मेल डोमिनेंट सोशल ऑर्डर, फिर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सोशल प्रेशर, फैमिली ऑब्लिगेशन, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट, अदर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम लिस्ट किया है, इसको इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेल डोमिनेंट सोशल ऑर्डर, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। जो पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, तो महिलाएं समझती हैं कि यहाँ पर जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती हैं, मेल ही कर सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये भ्रम मत पालिए कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर ज़्यादा कुछ देखना है तो मेरी पहले वाली एक वीडियो देख लीजिए, उसका मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, महिलाएं हर एक काम कर सकते हैं, बस क्या ज़रूरत रहती है, उनको करने की ज़रूरत रहती है। जो पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था फैली हुई है कि हर काम सिर्फ पुरुष ही करें, महिलाएं ना करें, क्योंकि महिलाओं के पहले ना करने का रीज़न भी बहुत होता था, उनमें शिक्षा का अभाव रहता था, शिक्षित नहीं होती थी, और उनको उनको जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जाती थी, वो समझती नहीं थी कि हमें जिम्मेदारियां किस प्रकार से निभानी है, इसलिए उनके पास समस्याएं थी, इस वजह से वो नहीं कर पा रही थी पहले के ज़माने में, पहले चलन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई कर नहीं सकता है। बस उसके उसके पास उसका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किस प्रकार से हमें क्या चीज़ करनी है, और बस स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, सिर्फ वही थोड़ी कर सकते हैं, कोई भी काम करना है तो वही सिर्फ थोड़ी कर सकते हैं, हर एक कोई कर सकता है, उसको छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, बस उसको करने का ढंग पता हो कि किस प्रकार से किया जाए। तो हर एक कर सकता है यार, ऐसा थोड़ी है कि या कोई एक व्यक्ति ही बना है उसके लिए, या भगवान ने सिर्फ उसे बनाया है जो वही कर सकता है, कहे नहीं कर सकता है कोई दूसरा, तो करने की ज़रूरत है ना, करिए। कहते हैं चलेगा नहीं, कहे नहीं चलेगा, जब करिए तो सही, पहले करेंगे तो चलेगा, बिना करे तो कुछ होता नहीं। अभी आप अगर सोचें कि 10 किलोमीटर हम घूम के टहल के आ जाएं, हमारे पैर थक जाएं, लेकिन हम यहाँ से हट ले नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि बिना टहले आप बिना जाए तो आपके पैर थकेंगे नहीं, या बिना कहीं जाए आप पहुँचेंगे नहीं, बिना उठे तो पहुँचेंगे नहीं, चलना पड़ेगा जाने के लिए, तभी आप वहाँ पर पहुँचे। तो हर एक काम स्टार्ट कीजिए कि स्टार्ट करने से ही कुछ होता है, बिना स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ लोग ही उन्हें कर सकते हैं या महिलाएं नहीं कर सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर कोई कर सकता है यार, तो सब कर सकते हैं। फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर, मैंने बोला ना पहले ज़माने में जो व्यवस्था फैली थी उसमें स्त्रियों को उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं किया जाता था, उन्हें उतना शिक्षा नहीं दिया जाता था, या उन्हें आगे नहीं लेके आया जाता था जिससे वो उस काम को सीख सकें। जब काम सीखेंगे नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि कोई बिना सीखे काम कर दे, कर ही नहीं पाएगा, कैसे कर लेगा, तो बिना सीखे कोई काम होता नहीं है, पहले उसको सीखना पड़ता है, फिर उसे करना पड़ता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की उनमें कमी आती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है कि हम इसमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आएगी, ये नहीं कर पाएंगे हम, अगर ये करना हम वहाँ पर बैठेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे देखने दो, क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस बहुत ज़्यादा 2 दिन कहेंगे, 4 दिन कहेंगे, बस इसके बाद कुछ नहीं, कुछ बोलने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं शुरुआत में कि ये आगे कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि तो आप तो सक्सेसफुल होने वाली लाइन पे हैं, तो वहाँ से आप सक्सेस तो वहाँ से आपको चांस रहते हैं कि आप वहाँ से बढ़ जाएं, लेकिन वही देख को लोगों को बुरा लगता है कि ये बढ़ जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो यही रीज़न है कि उनमें जो कॉन्फिडेंस रहता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से वो सिखाया नहीं जाता है, उस लायक बनाया नहीं जाता है कि वो कर ले जाएं, उनमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लेके आया जाता है। तो ये पहले कुछ डिसएडवांटेज थे महिलाओं के प्रति, या उनमें पुरुषों के प्रति भी थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ही कमी थी, पुरुषों में भी कमी थी, उनको भी इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर यार जो पहले का जो समय था ना वो कुछ दूसरा समय था, और जो जो ये समय है ये कुछ दूसरा समय है, ठीक। तो फिर इसके बाद है सोशल प्रेशर, उसमें सामाजिक प्रेशर रहता है। सामाजिक प्रेशर क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई अपना इंटरप्रेन्योरशिप बने या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर, बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, सामान लेके आई, ले आने के बाद उसको रख दिया, फिर उसको शर्म महसूस होती है, लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे लोग देखते हैं तो देखने दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें अपने काम से मतलब है। सोशल प्रेशर वही रहता है कि समाज के जो समाज रहता है हमारा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कल को वो भैया क्या कहेंगे, कल को भाभी क्या कहेंगी, या कल को वो दीदी क्या कहेंगे, अरे जिसको कहना हो कहने दो यार, क्या मतलब है, तुम्हें अपने से मतलब है, अपना करो, अपना करोगे तभी तुम्हें कोई खाने को नहीं देगा, 1 दिन दो देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, उसके बाद भगा देगा, कहेगा जाओ हमारे यहाँ नहीं है, तुम्हें अपना ही देखना पड़ेगा, तुम्हें
तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तू भी कहे उसको कहने दो, एक दिन कहेगा, दो दिन कहेगा, चार दिन कहेगा, बस बहुत ज्यादा तुमसे नाराज हो जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आओगे तो तुम्हारा ही बचेगा, चाय पानी नाश्ते का ही बचेगा तुम्हारा, जितना बचेगा। तो इन सब चीज़ों का कोई भी फर्क ना डालिए अपने ऊपर, इन सब चीज़ों को ध्यान ही ना रखिए। फिर है फैमिली ऑब्लिगेशन, जो फैमिली ऑब्लिगेशन है मतलब कि पारिवारिक दायित्व, तो ये कहीं तक इसको कमज़ोर कर देता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने में। यहाँ पर हमारा पारिवारिक दायित्व तो रहता है कि हम अपना जो फैमिली है उसको लेके चले, तो यहाँ पर पारिवारिक दायित्व भी रहता है कि सबको लेके चला जाए। तो यहाँ पर कुछ समस्या आती है, ऐसा नहीं समस्या नहीं आती, कुछ समस्या आती है, लेकिन इससे भी निपटा जा सकता है, इसको भी उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है अपने अपने हिसाब से कि इसको किस प्रकार से करना है। तो जब आप किसी भी काम को स्टार्ट कर देंगे, जब कोई भी काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे हो जाएगा, जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक होगा नहीं। अगर आप शुरुआत में कार चलाना सीखें, मोटरसाइकिल चलाना ही सीखो, तो उसमें पहले तो डर लगता है, डर लगता है कि यार हम कहीं गिर ना जाएं, कपते हैं लोग, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, पहले एकदम से चलाते हैं, फिर डाउन करते हैं, फिर एकदम चला, तो स्टार्टिंग फेज होता है यार, उसमें सबको दिक्कत पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी पेट से सीख के तो कोई आता नहीं है, सीख तो सभी यहाँ पर हैं, तो बस ये है कि कोई जल्दी सीख जाता है और कोई देर में सीखता है। तो जल्दी सीखने का मतलब यही है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसको डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, देखेंगे, एक दिन गिरेंगे, दो दिन गिरेंगे, बस इससे ज़्यादा तो गिरेंगे नहीं, दूसरे दिन तो सीख ही जाएंगे, तो उसको इतना डर नहीं रहता है। डर डर खत्म करो बस। फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट, यहाँ पर कुछ प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो प्रॉपर सपोर्ट के बिना, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई महिला अपना काम स्टार्ट करे या कोई पुरुष स्टार्ट करे अपना काम, जो महिला काम स्टार्ट करती है तो उसके संरक्षक को चाहिए कि उसको सपोर्ट करता रहे, और जो पुरुष अगर कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका भी कोई गार्जियन होगा, तो उस गार्जियन को चाहिए कि उसका सपोर्ट करे। हालांकि यहाँ पर जो हर एक गार्जियन चाहता है कि हमारा जो क्लाइंट है या हमारा जो सदस्य है वो आगे बढ़ जाए, तो सपोर्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सपोर्ट की कमी रह जाती है महिलाओं में। महिलाओं में सपोर्ट की कमी किस लिए रह जाती है, क्योंकि उन्हें जो पहले की जो व्यवस्था है उसको इस हिसाब से बनाया था यार इन लोगों ने, एकदम घटिया कर दिया था कि उनको लेके ही नहीं आया जाता था आगे, उनको कोई काम करना सिखाया ही नहीं जाता था, तो उन्हें सपोर्ट ही नहीं दिया जाता था कि तुम करो, आगे बढ़ो, आगे जाओ, कुछ नहीं होता था पहले। लेकिन था, उसमें भी था, कुछ लोग थे करते थे, जो अगर करते नहीं होते तो आज ये लोग आगे बढ़ी नहीं होती। अगर तो ऐसा नहीं कि कहीं पर बुराइयाँ भी हैं तो कहीं पर अच्छाइयाँ भी हैं, सिक्के के तो दो पहलू होते हैं, कहीं पर अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, कहीं पर बुराइयाँ भी मिलेंगी। तो हमें अच्छाइयों को पकड़ना है, बुराइयों को छोड़िए, अच्छाइयाँ पकड़िए और बुराइयाँ को छोड़ दीजिए। जब बुराइयाँ छोड़ेंगे तभी अच्छाइयों में आप आगे इंक्लूड होंगे। जब आप बुरे समाज में ही पलते रहेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचेंगे ही नहीं, तो कैसे बढ़ जाएंगे, बिना किए तो कुछ होता नहीं है। फिर अदर प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो यही हुआ कि हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, कौन करेगा, कौन देखेगा। एक बार स्टार्ट तो करिए आप, और इसके साथ साथ फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आती है। फाइनेंस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहती हैं उनके पास धन की कमी रहती है, धन की कमी रहती है। धन की कमी अगर नहीं होती तो वो भी शहर में भाग जाते या उस डेवलप्ड एरिया में चले जाते, गांव में नहीं रहते। जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट करिए तो कुछ ना कुछ तो अरेंज करना ही पड़ेगा, बिना अरेंज किए तो कुछ होगा नहीं। या आप किसी से उधारी के तौर पर ले लीजिए, जो देता हो मनी लेंडर्स रहते हैं जो, या फिर कहीं से आप ब्याज के तौर पर ले लीजिए, बैंकों से ले लीजिए, तो कहीं से ना कहीं से आप लीजिए, और लेने के बाद फिर उसे स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, बिना स्टार्ट किए तो बढ़ेंगे नहीं। जब तक हम मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे लेके जाएंगे उसको आगे। तो स्टार्ट करिए और उसको धीरे धीरे करके आगे ले जाइए, तो बिना स्टार्ट किए कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत रहती है इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। एंटरप्रेन्योरशिप में जो स्लो प्रोग्रेस रहता है और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका यही कारण रहता है, फीमेल्स में और कहीं ना कहीं तक मेल्स में भी ये ऐसा रहता है। तो इन सब चीज़ों को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें फैमिली से अपना सपोर्ट लेना है और उसको आगे बढ़ाने पर ले जाना है, आगे एक उचले स्तर तक लेके जाना है, हमें आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा, जब आप नहीं बढ़ेंगे तो आपके बच्चे कैसे बढ़ेंगे, जब वो नहीं बढ़ेंगे तो फिर उनके बच्चे कैसे बढ़ेंगे। खुद के अंदर जो कमियां रहती हैं उनको इतना ज़्यादा रगड़ दो, रगड़ रगड़ के उनको अपनी मजबूतियों में बदल दो, जो तुम्हारी टांग खींच रही थी वही तुम्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। जब ऐसा करना हो जाएगा, लोग तो कहेंगे ये समाज है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, कोई तुम्हें आगे बढ़ाने की सोचेगा और कोई तुम्हें पीछे घसीटने की सोचेगा। आगे बढ़ाने वाले बहुत कम रहेंगे और पीछे घसीटने वाले बहुत रहेंगे।
जब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने लगता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके पीछे खींचने वाले लोग लग जाते हैं। जब आपके पीछे जब सैकड़ों आदमी खड़े हों आपको खींचने वाले, तभी आप खड़े होकर सेल्फी लीजिए और एंजॉय कीजिए कि ये है हमारी सक्सेस, देखिए हमारे पीछे कितने ज़्यादा लोग लगे हैं। तो अपनी जो कमजोरियाँ हैं उनको मजबूतियों में बदलिए। ऐसा नहीं है कि बदला नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है, किया कुछ भी जा सकता है। अगर इस दुनिया में है कोई भी समस्या तो इसको आगे बदला भी जा सकता है, इस समस्या का सॉल्यूशन भी बना है। अगर समस्या है तो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो समस्या भी नहीं होती। तो हमें इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।